ठीक है चलो अभी हम निकाल कर रहे हैं कि द टाइम फॉर व्हिच द बॉल रिमेन इन एयर, कितने देर के लिए बॉल रिमेन एयर में था। तो मैंने बोला था टोटल टाइम t इक्वल्स टू दिस टाइम प्लस ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, बिकॉज़ ये ऊपर गया वापस नीचे आया, प्लस फिर से ये वाला टाइम ट्वाइस, फिर से इस तरह से n टाइम। तो t plus 2t1 plus 2t2 plus 2 dot 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 tn तक। t के जगह पे मैं लिखा रूट 2h by g, t1 equal to 2 root under h1 by g, इस तरह से कर दिया, इस समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब यहां से क्या किया, सब में रूट अंडर 2h by g है कॉमन ले लिया मैंने, अब आया 1 plus 2e plus 2e square plus इस तरह से। अब मैंने यहां से आगे देखा सर, ये 1 को अगर छोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा क्या है, जीपी में है, बिकॉज़ देखो एक रेशियो कॉमन है इनमें, 2a square divided by 2e equal to क्या आएगा, e आएगा, 2e cube divided by 2e square क्या आएगा, e आएगा, मतलब हर सब में कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, e। मतलब इसके आगे अगर मैं बात करूं तो ये एक जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो r equal to e आ रहा है, और अगर कॉमन रेशियो जो है सो क्या है आपका 1 से छोटा है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला कौन सा यूज कर सकता हूं, s equal to a upon 1 minus r। तो मैं लिखता हूं कैपिटल t equals to root under 2h upon g, बहुत अच्छा, प्लस 1 प्लस, और इसके आगे का क्या लिखता हूं, a upon 1 minus r, a की जगह पर 2e, 1 minus r की जगह पर क्या है भाई, e है, डाल दो। अब देखो यहां से क्या बचेगा, root under 2h upon g, और इसको कैलकुलेट करो तो 1 minus e plus 2e divided by 1 minus e, और e से ये हो जाएगा, बचेगा टाइम t equal to root under 2h upon g into 1 plus e upon 1 minus e। सर दिस इज द टाइम फॉर व्हिच दैट बॉल रिमेन इन एयर, यहां पे लिख देता हूं t equals to root under 2h upon g into 1 plus e upon 1 minus e। सर दिस इज द टाइम, ये कौन सा टाइम है, कितने देर के लिए बॉल हवा में था, ये कौन सा हाइट है, कौन सा डिस्टेंस है जिसके लिए बॉल एयर में था, 1 plus e square upon 1 minus e square into h, h क्या है सर, जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया गया, hm क्या है सर, हाइट कवर्ड आफ्टर nth कोलिजन, nth कोलिजन के बाद वो कितना हाइट ऊपर तक गया, तो e raise to 2n into h, वेलोसिटी क्या हो जाएगा nth कोलिजन के बाद, डिक्रीज हो जाएगी ना, तो e raise to n into root under 2gh, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से ये तीन चार फार्मूला जो भी बताए सब इंपॉर्टेंट है, लिखना है क्या, लिख लो फटाफट। अब हम बात, अभी अब तक हमने क्या पढ़ा उसको एक बार सीक्वेंस में लिखते हैं, सबसे पहले सबको ध्यान में रख, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बाउंसिंग ऑफ बॉल में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला निकाला था, द वेलोसिटी आफ्टर n कोलिजन, तो वेलोसिटी आफ्टर n कोलिजन vn इक्वल टू क्या आया था, e रेज पावर n इनटू v, v कौन सी स्पीड है जिसके साथ वो स्ट्राइक किया था ग्राउंड को, मतलब इसको और स्ट्राइक मार के लिखो तो क्या लिख सकते हो, h क्या है आप बताओ, ममता दीदी क्या है h, जिस हाइट से वो बॉल को ड्रॉप किया गया, जिस हाइट से बॉल को छोड़ दिया आपने, ओके बहुत अच्छा। इसके बाद हमने निकाला क्या निकाला था, हाइट आफ्टर nth कोलिजन, मींस अगर बॉल को इस हाइट से छोड़ा तो दो कोलिजन के बाद बताओ कितने हाइट तक जाएगा, तो क्या आएगा फार्मूला इसका, h = 2 h, बहुत खूब। इसके बाद हमने क्या निकाला था, दैट टोटल डिस्टेंस फॉर व्हिच बॉल रिमेन इन एयर h, कैपिटल h क्या आया था, 1 plus e square upon 1 minus e square into h, h कौन सी हाइट है जिससे उसको ड्रॉप किया गया। उसके बाद हमने क्या निकाला था, टोटल टाइम फॉर व्हिच द बॉल रिमेन इन एयर क्या आया था, 1 plus e upon 1 minus e into root under 2h upon g, सही बात है। और सर इसको आप लिख सकते हो क्या, वो टाइम t जितना टाइम है बॉल उस हाइट से लेके ग्राउंड तक आया है ना, तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद रहे तो कोई बुराई नहीं, छोटे छोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, अदरवाइज एडवांस होता है तो आप क्या करते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, उतना टाइम रहता है इसमें, बाकी तो छोटे एग्जाम में खट 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 आंसर याद होना चाहिए। चलो ये आपको याद हो गया क्या, चलो एक बार इसको याद कर लेते हैं, तो चलो सब लोग मेरे साथ बोलेगा, सबसे पहले बताओ vn इक्वल टू, बिना देखे इधर, बिना इधर देखना नहीं, डायरेक्ट बताना है, vn इक्वल टू e रेज टू पावर n इनटू रूट अंडर 2gh। अच्छा हाइट आफ्टर n कोलिजन बताना है, e रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ n इनटू h, ठीक है सर। चलिए उसके बाद मुझे बताइए द डिस्टेंस फॉर व्हिच बॉल रिमेन्ड इन एयर, 1 plus e square upon 1 minus e square into h,
बहुत अच्छा अब उसके बाद तो टाइम फॉर विच बॉल रिमेंड इन एयर वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई इंटू उस बॉल को मैंने 20 मीटर हाइट से ड्रॉप कर दिया कितने हाइट से 20 मीटर हाइट से पूछा जाए आपसे कि आफ्टर सेकेंड कोलिजन कितने कोलिजन के बाद भाई सेकेंड कोलिजन के बाद भाई साहब हाइट कितना कवर करेगा फटाफट आंसर बोलो जल्दी से कितना टाइम नहीं लगना चाहिए आफ्टर सेकेंड कोलिजन कितना हाइट जाएगा भाई फर्स्ट कोलिजन यहाँ पे होगा कुछ हाइट जाएगा फिर नीचे आएगा सेकेंड एच टू ना क्या दिया हाँ चलो ई भी देना पड़ेगा सॉरी खुद तो आंसर भी बोलिए बिना ई के हाँ बहुत अच्छा ई की वैल्यू हाफ दी मान लो तो कितना हो जाएगा सन्नाटा हो जाए जैसे सवाल पूछा तो H2 equals to आ जाएगा भैया H2 equals to e raised to power 2 into 2 2n into h सही बात है क्या होता है तो e की वैल्यू है 1 by 2 का पावर 4 into h की वैल्यू कितनी है 20 so 1 by 2 raised to power 4 मतलब क्या हो गया 1 by 16 into 20 this is 5 this is 4 5 by 4 मतलब कितना हो जाएगा 1.2 मीटर सही बात है ना 1.2 मीटर रहेगा 1.25 मीटर रहेगा सर देखो ना 5 बाई 4 1 2 8 एंड 20 हां राइट सो 1.25 मीटर आ गया तो क्या बहुत टफ सवाल पूछ लिया तुमसे तुम्हें तो समझ में नहीं आया होगा कैसे सॉल्व किया ये आ गया क्या समझ में चलो ठीक है अगर ये आ गया तो अगला सवाल बता दो आंसर फटाक से चलो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट समझ रहे हो एग्जांपल चिंतन से अब देखिए इधर अब मान लो एक बॉल है क्या है बॉल इस बॉल को ना आपने कितने हाइट से फेंका सर तो मान लीजिए कि 512 मीटर ऊपर से फेंका बहुत ऊपर से 512 मीटर से ठीक है बहुत सारा कोलिजन किया इसने टिक 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 ऐसे करते हो और यहां पहुंच गया बॉल ठीक है आफ्टर सम कोलिजन मैं बोलता हूं एन कोलिजन के बाद आफ्टर एन कोलिजन कितने कोलिजन के बाद भाई आफ्टर एन कोलिजन भाई साहब ने मान लीजिए 2 मीटर हाइट कवर किया कितने कोलिजन के बाद तो एन कोलिजन के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया कितने हाइट तक गया मैक्स टू मैक्स 2 मीटर तो हमसे पूछे जरा बताओ एन की वैल्यू क्या होगी चलो ई की वैल्यू दी हुई है हाफ एकदम आसान सवाल उल्टा सीधा करके पूछ रहा है खाली आएगा आंसर नहीं आया आंसर टेंशन में दिखते रहते पता नहीं उनको क्या चल रहा है क्लास में कुछ तो अच्छा पढ़ा रहे हैं सब लोग हंस रहे हैं अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे बस वो देखते रहते हैं ऐसे टुकुर 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 है ना लेकिन क्या पढ़ा रहे कुछ मालूम नहीं अच्छा पढ़ा रहे समझ में आया क्या होगा इसका आंसर कर सकते हो क्या जल्दी से करके बताओ जरा मुझे आंसर फाइनल ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ इसको तो देखो जरा ध्यान दो इसमें है क्या कि भैया 512 मीटर से आपने इसको छोड़ दिया तो पूछा कि कुछ आफ्टर सम कोलिजन ये 2 मीटर हाइट तक जा पाता है तो पूछा कि बीच में कितना नंबर ऑफ कोलिजन हुआ होगा तो बड़ा आसान सवाल है मुझे पता है सर ये h है h इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है e रे टू पावर 2n इनटू जिस h मान लो आफ्टर एन कोलिजन hn बोल देते हैं इज इक्वल्स टू e रे टू पावर 2n इनटू h सो भैया hn इक्वल्स टू दिया हुआ कितना 2 मीटर e रे टू पावर 2n n की वैल्यू पता नहीं अपने को इज इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी दी है 512 सो मैं यहां से लिखूंगा e raised to power 2n is equal to 2 divided by 512 दिस इसको कैंसिल हो 1/256 सही बात है सो यहां से अगर आप लिखो e raised to power n equal to क्या आएगा 16 into 16 1/16 हो जाएगा राइट और e की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको e कितना दिया हुआ है e दिया ना हां सो 1/2 raised to power n equals to 1/16 1/16 को क्या लिख सकते हो 1/2 raised to power 4 सो n equal to यहां से क्या आ गया 4 मतलब कितना कोलिजन के बाद ऐसा होगा 4 कोलिजन के बाद सो दिस इज माय आंसर n इक्वल टू 4 कोलिजन तो आसान आसान सवाल है बच्चा टाइप सवाल है कि नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट लिख लो चलो एक और सवाल लेता हूं मैं एग्जांपल नेक्स्ट बोल एकदम आसान सवाल एकदम बच्चा टाइप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब सब आपको कर लेना है कि एक बॉल है जो कि
10 मीटर हाइट से उसको ड्रॉप कर दिया आपने, कितने हाइट से ड्रॉप किया, 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया। तीन केस लेता हूं मैं इसमें, पहले वाले केस में कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दूसरे केस में बोल रहा है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, एंड चौथे केस में, थर्ड केस में बोल रहा है ईच वैल्यू हाफ है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फॉर विच द बॉल रिमेंड इन एयर, ऑल्सो फाइंड द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेंड इन एयर। मिटा दो, ये तो लिखे हो गया, क्वेश्चन लिखो इसका। ये वाला क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या निकालना है सर, कि टोटल हाइट निकालना है जिसके लिए बॉल एयर में था, और टोटल टाइम निकालना है जिसके लिए बॉल एयर में था। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, बड़ा आसान सवाल है, फटाफट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में क्या बोला, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई यार, ई की वैल्यू हो गई वन। तो अपने को हाइट एच निकालना है, टोटल हाइट फॉर विच द बॉल रिमेंड इन एयर। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, बिना देखे बोलेगा सब लोग, जो 10 मीटर, ये वैल्यू देखो इन्फिनिटी आ रही है, बाप रे ये कैसे हो गया, तो गलत हो गया ना कुछ, इन्फिनिटी थोड़ी आता है, सही है क्या, कोई प्रूव कर सकता कैसे सही है, कैसे सही है, यस लॉस ही नहीं होगा सर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, बॉल गिरा और ऊपर नीचे करता रहेगा, ऐसे 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 करता रहेगा, कब तक करता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक करेगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यही होता है, जितने हाइट से आया फिर से उतने हाइट तक आया, लॉस कुछ हुआ ही नहीं तो इनफाइनाइट टाइम करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एच वो की, अगर वो इनफाइनाइट टाइम्स करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनफाइनाइट। टाइम पूछ ले तो टाइम में भी वही बात है, 1 + e / 1 - e, 1 + 1 / 1 - 1 * जो भी है, या कुछ भी आता है, तो ये क्या आ गया, इनफाइनाइट आ जाएगा टाइम में, पहला का टेंशन नहीं। दूसरे में क्या बोल रहा है सर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए e की वैल्यू क्या होगी, मत पढ़ा, e की वैल्यू 0 होगा, अरे भाई बोलो सही है ना, तो h इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं भैया, 1 + e स्क्वायर / 1 - 1 + 0 का स्क्वायर 0 / 1 - 0 * h की वैल्यू 10 क्या आएगी, 10 आ गया ना। तो मतलब क्या, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, बस एक बार जो यहां से नीचे आया, नीचे आकर चिपक जाएगा वो, तो इसलिए परफेक्टली इन इलास्टिक डायरेक्ट 10 आ गया। चलो टोटल टाइम पूछ ले कितने देर तक वो एयर में था, तो भैया 1 + 0 / 1 - 0 * जितना देर उसको यहां से यहां आने में लगा होगा बस, तो 2 * 10 / 10 कितना होगा, 1.4 सेकंड, रुको है ना। चलो थर्ड केस में लेकिन e की वैल्यू हाफ लेना, अरे यार ये आसान सवाल है, क्या ये सब नहीं कर लोगे तुम, क्या फालतू में लिख रहा हूं इसमें, क्या आपसे होगा नहीं होगा, तो e की वैल्यू हाफ पुट कर दो, जो आंसर आना होगा आएगा, क्या आएगा फटाफट लिख ही देता हूं, चलो नहीं तो कुछ तो गालियां देंगे घर पे जाकर, क्या मास्टर कुछ बताता नहीं है। 1 + 1/4 / 1 - 1/4 * 10 जो आएगा देख लेना, टोटल टाइम अगर पूछ ले तो क्या आएगा भैया, 1 + हाफ / 1 - हाफ * रूट अंडर 2 * 10 / 10 So, जो भी आएगा वो देख लेना फटाफट, है कि नहीं, फटाफट लिख लो जो भी है, सो क्या सबका लिख के हेडिंग डालिए ऑब्लिक कोलिजन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था ये सब कैसा कोलिजन था, डायरेक्ट इंपैक्ट था, इनडायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट था, सुनो एक मिनट बातें नहीं। तो लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं ऑब्लिक कोलिजन, और इसके ऊपर मैं ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं ले रहा हूं, आप डायरेक्ट कर लेना, एक्चुअली मेरे पास है नहीं, कहीं से भी आप ढूंढोगे मिल जाएगा आपको, अच्छे वाला अगर मैं जो सॉल्व करो मिल जाएगा। के हर चैप्टर का लास्ट का जो 3-4 सवाल है वो बहुत ही अच्छा रहता है, आप उसको जरूर करो, मेडिकल मेडिकल देना तो मत करो, ठीक है। तो अगर आप पहले आ जाते हैं ऑब्लिक कोलिजन, कुछ लोग ना जो स्पेशली मेडिकल लोग होते हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, पता है क्यों, क्योंकि मैं मेडिकल की सवाल ऐसे तैसे करते रहता हूँ ना, तुम पसंद करते है, अरे यार ये तो कमाल हो गया, चलो ठीक है इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, अभी हम बात करते हैं ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है, उनको बायो वाले से ज्यादा चलेगी, होता है थोड़ा फिजिक्स समझ ही रहा है, फिजिक्स फिजिक्स है अल्टीमेटली, इधर देखो अभी ऑब्लिक कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अपन मैथ वाले लोग हैं, है ना, प्रो मैथ पसंद है, चलो ठीक है इधर आ जाओ, इधर देखो ना कि भैया एक बॉल है जिसकी मास क्या है सर, मान लेते हैं m1 मास है, इसकी स्पीड कितनी थी
यू वन स्पीड थी, एक दूसरी बॉल है एम टू, इसकी मास थी एम टू और इसकी स्पीड थी यू टू। ये बॉल आया यहाँ पे डिचिक डिचिक और यहाँ पे आया, इसे टकराया ढूम, कैसे टकराया टकराने का ऊपर जवाब आता है क्या, ऐसे टकराया गधा इधर देखो इधर देखो, अच्छा ठीक है मजाक नहीं अभी नहीं तो छूट जाएगा, इस तरह से आकर टकराया, टाइम पास नहीं। अब ये बॉल यहाँ पे आ गया वापस टकराने के बाद, देखो अब ना मुझे गुस्सा मत दिला, प्यार से बात कर रहा हूँ, अगर ज्यादा किया ना तो घोर पड़ी दबा के फेंक डालूंगा, इधर ध्यान दे इधर ध्यान दो। टकराने के बाद मैं मान लिया सर इसकी स्पीड हो गई, मानते हैं वी वन, चलो इसका स्पीड हो गया वी टू और इसका हो गया वी वन, इसका मास ना ही एम वन था इसका एम टू था। चलिए सर मान लेते सर ये एंगल जो था ना पहले, मान लेते सर क्या था अल्फा था, और ये भी मान लेते हैं कि क्या था, चलो ये अल्फा वन था ये अल्फा टू था, एकदम जनरल बात करते हैं। ये एंगल मान लेते सर बीटा वन है और ये है बीटा टू, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ऑब्लिक कोलिजन ऐसा होता है, और हमसे इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है, क्या फंडा होता है, तो कुछ नहीं होता इसमें, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इस तरह का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सर कि जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो जो इक्वेशन आते हैं वो कहां से आते हैं, तो भैया मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से। यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन दो डायरेक्शन में लगाएंगे, एक्स में और वाई में, और साथ में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है सर, और अभी कहां लगा रहा हूं अलोंग एक्स लगाता हूं पहले में एक्स की तरफ, तो सब लोग मुझे हेल्प करेगा, क्या मैं लिख सकता हूं इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, हां या ना बोले यार, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा जरा बताओ, एम वन इसका मोमेंटम बताओ ना, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा वन होगा ना, जल्दी जल्दी बताओ, एम वन यू वन कॉस अल्फा वन, इसका मोमेंटम क्या होगा एक्स में, एम टू यू टू कॉस अल्फा टू इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एम वन, और ये एंगल कितना होगा, ये बीटा वन तो वही बीटा वन, तो लिखूंगा मैं, अच्छा इसका स्पीड ना वी वन ही मान लो थोड़ा वी वन, और इसको वी टू मान, तो एम वन वी वन कॉस बीटा वन प्लस एम टू वी टू कॉस बीटा टू, ठीक है इक्वेशन यहां से आएगा। सिमिलरली अलोंग वाई लिखोगे तो कैसा आएगा बताओ जरा, पी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू पी फाइनल इन वाई डायरेक्शन, जरा जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, m1 u1 sin alpha 1 plus m2 u2 sin alpha 2 equals to m1 v1 sin beta 1 plus m2 v2 sin beta 2, पहले वाला माइनस हो गया, अच्छा हाँ ये वाला नेगेटिव है डाउनवर्ड और इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव है, राइट ये वाला माइनस हुआ, ध्यान रखना पहले वाला माइनस हुआ, क्यों माइनस हुआ समझा क्या, क्या इसका अब अगर इधर से इधर गया इसका जो आएगा एक बीटा टू, अगर आप ये देखो ये बीटा टू है, ये वाला होगा साइन बीटा टू, राइट, सो बी टू वाला भी निगेटिव होगा, इसे थोड़ा ध्यान रखना इस तरह का, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे नहीं फटाफट लिखा है। चलो नेक्स्ट करेंगे फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, तो दो इक्वेशन मेरे पास आ गया, तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से, तो भैया इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल की बात ही नहीं करते क्योंकि वो जीरो है मान लेते हैं, इनिशियल एनर्जी क्या था बताओ, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस बोला गया हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। अब इस तरह से ये इक्वेशन लिखते हैं, इसमें से कुछ एक अननोन रहेगा और कुछ कोई फाइंड आउट करना रहेगा, तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा सीट में या फिर जहां भी तुम सॉल्व कर रहे हो बुक वगैरह अच्छे हो रहा हूँ प्रीवियस ईयर में। तो बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन इसी तरह से लिखते हैं इसका, ठीक है क्वेश्चन लिख लेते हैं, अब कुछ अननोन रहेगा कुछ गिवन रहेगा तो फाइंड आउट करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको थोड़ा घर पे कीजिएगा तो इस तरह से आपका हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या, पॉइंट क्लियर हुआ मोमेंटम कंजर्वेशन से कैसे लगाते हैं इसमें, अच्छा और भी कुछ चीजें होती है यहाँ पे, कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का क्या यूज होता है इसमें, ये भी तो सवाल हो सकता है, सही बात है ना, कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का भी यूज करेंगे। तो भैया अगर आप ध्यान देखोगे जब कोलिजन होता है दो बॉडी का तो वहां पे तो इस तरह एक सवाल में आपको यूज आएगा, कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन दिया रहेगा तो ध्यान रखना है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वाला चेंज नहीं होगा, जो सेपरेशन वाला है वो वाला चेंज हो जाएगा, तो वो सब देखना, उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कोलिजन हमारा खत्म हो गया।
ठीक है, दिस इज हाउ वी कंप्लीट विद द कोलिजन। क्या खत्म हुआ भैया? अगले क्लास में हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे। रोटेशन में सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ेंगे और फिर रोटेशन वाला पार्ट खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू।